हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों इस स्टॉक में हमें आजकल थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, हालांकि पिछले एक साल में काफ़ी शानदार तरीके से इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है। दोस्तों बात करें जब स्टॉक की प्राइस ओनली हमें 150 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहां से आप लोगों को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था। दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस 400 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसका प्राइस हमें 580 के अप्रोक्सीमेट देखने को मिला था, वहां से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से इसका प्राइस हमें फिलहाल 400 प्लस में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से हमें काफी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक से हम सारे इंफॉर्मेशन एक बार देखने के कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पिछली ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 2% के आसपास का गिरावट शो किया है। हालांकि बात करेंगे पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे 5% से एबव का मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है। और यहाँ से काफी शानदार तरीके से हमें इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला, हालांकि फिर से इसमें थोड़ा बहुत हमें रैली देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे पिछले एक साल का इसका प्राइस या ग्राफ का, तो पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 80% के अप्रोक्सीमेट मुनाफा दिया है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि बात करेंगे पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक ने कितना मुनाफा दिया है, तो दोस्तों एवरी ईयर 100% से एबव का इस स्टॉक ने पिछले 5 ईयर में मुनाफा दिया है, जो कि आप लोगों के सामने में है, यहाँ पे देख सकते हो। वहीं बात करें इसका फ्यूचर का, तो फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 600 रुपए के क्रॉस करके हमें काफी आगे जाती हुई देखने को मिलेगा। आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों हम बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ हमें यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने कितना यहाँ पे खरीदारी शो किया है, तो जिस तरीके से हमें यहाँ पे खरीदारी होती हुई देखने को मिल रहा है, दोस्तों फ्यूचर में भी इस स्टॉक में काफी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। रफली हमें यहाँ पे 20% के अप्रोक्स में हमें यहाँ पे डिलीवरी का पोजीशन देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे इसका 52 वीक लो एंड हाई का, स्टॉक ओनली 200 के अप्रोक्स में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पिछले साल, वहां से इस स्टॉक ने 585 का हाई शो किया है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों बात करें इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 2 रुपए देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे क्वार्टर का रिजल्ट का। दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग के सामने में देख सकते हो, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट शो किया था, हालांकि सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के प्रॉफिट में थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला, जिसके वजह से इस स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन शो किया था। दोस्तों वही हम बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे हमें 40% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर हमें प्लेस फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों हम बात करेंगे इसका रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर भी देखने को मिल रहा है, ये भी फिगर अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि बात करेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे एकदम से हमें 0 फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग भी हमें एकदम से 0 फिगर देखने को मिल रहा है, यानी कि 100% कंपनी डेब्ट फ्री भी है। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे हमें 12,000 प्लस का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि हम बात करेंगे सेक्टर के पीरिश्यू का, तो यहाँ पे 36.84 हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीरिश्यू से इस स्टॉक का पीरिश्यू हमें काफी निचले स्तर पे देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इसका प्राइस है वो भी हमें काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, और फ्यूचर में हमें इसमें काफी शानदार तरीके से रैली देखने को मिलेगा। जिस तरीके से इस स्टॉक ने अभी तक गिरावट शो किया है, दोस्तों यहाँ से इसका प्राइस फ्यूचर में हमें 600 रुपए के क्रॉस करके भी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें इस स्टॉक का रेवेन्यू ग्राफ देखने को मिल रहा है, ये भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से हमें रेवेन्यू ग्राफ देखने को मिल रहा है, ये भी फिगर अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिला है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स कितना शो किया है, तो यहाँ पे सेल्स का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है।
हालांकि बात करेंगे इस स्टॉक में एफआई का होल्डिंग का, डीआई का होल्डिंग का, उससे पहले बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहां पर भी हमें 40% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि यहां पे एफआई का होल्डिंग काफी अच्छा खासा है दोस्तों, 15% से अबव का है, जो कि बात करेंगे डीआई का होल्डिंग का, तो यहां पे काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, और यहां पे रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग भी काफी अच्छा खासा है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करेंगे तो हमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है, और स्टॉक अपने आप में जैकपॉट है, फ्यूचर में इसका प्राइस 600 रुपए के भी क्रॉस करके हमें काफी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे अगर यहां से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत और हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस सीधे में 400 के अप्रोक्स में आते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज फ्यूचर में 600 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।